प्रेज द लॉर्ड, शालोम एवरीवन। एक बार फिर से आज की शाम मैं इवेंजलिस्ट एडवोकेट विनीता फ्रॉम न्यू दिल्ली आप सबका अपने इस पेज पर प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के ऊपर आप सबका स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ आज की सुंदर शाम के लिए। थैंक यू लॉर्ड। और आज आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं इससे पहले कि हम आज की इस नई कहानी में चले जिसके द्वारा परमेश्वर आज मुझसे और आपसे बात करेगा। आइए अपनी आंखों को थोड़ी देर के लिए बंद करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा अपने बीच में हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपको पुकारते हैं, आपका स्वागत करते हैं और हम मिलकर अपने मसीह को, अपने यीशु को महिमा देना चाहते हैं। आज की इस कहानी के द्वारा प्रभु, जो वचन, जो कहानी आज आपने इस पेज के लिए रखी है, अपने लोगों के लिए रखी है, इसके द्वारा बहुत सारे लोगों को आशीष मिले। ये सिर्फ कहानी नहीं है प्रभु, ये हम सब के लिए जीवनदायक बातें हैं जिसके द्वारा हम अपने पिता परमेश्वर को पहचानते हैं। प्रभु आज की इस समय को हम आपके हाथों में देते हैं, धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, थैंक यू जीसस, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद रखेंगे थोड़ी देर और आज इस समय हम एक वर्शिप में चलेंगे, एक वर्शिप सॉन्ग में चलेंगे। ये समय है कि हमारे बीच में पवित्र आत्मा की उपस्थिति है और हम मिलकर अपने परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया, 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 धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला हमें, अपनी बाहों में लिए हुए, आए तुम्हें जो मिटाने, वो शस्त्र होंगे बेअसर। गाइए, आए मुझे जो मिटाने, वो शस्त्र होंगे बेअसर, मेरा रचने वाला मुझे पर रखता है अपनी नजर, मेरा रचने वाला मुझे पे रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला हमें, अपनी बाहों में लिए हुए, आए हमें जो मिटाने, वो शस्त्र होंगे बेअसर, आए हमें जो मिटाने, वो शस्त्र होंगे बेअसर, मेरा रचने वाला मुझे पर, गाइए, मेरा रचने वाला मुझे पर रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला मुझे पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। हाँ प्रभु, अब तक आपने हम सबको अपनी बाहों में लेकर संभाला है, हम आज के दिन तक जीवित हैं,
हम आज के दिन तक सांसें ले रहे हैं, आज के दिन तक हम तेरी गवाही दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि तूने हमें जिंदगी दी है प्रभु, इसलिए कि तूने हम सब पर अपनी दया की है। आज की इस सभा को, इस प्रार्थना को, इस कहानियों के सेशन को प्रभु पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपते हैं। हमें अपना आनंद दे, अपनी शांति दे और ग्रहण करने वाला हृदय दे कि हम तेरे वचनों को ग्रहण करें और आनंदित हों। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु आप सबको आशीष दे। और आज की जो स्टोरी, जो कहानी जो प्रभु ने मेरे मन में डाली, वो एक छोटे बच्चे के विषय में है। और बाइबल हमें उसके बारे में बताती, यहूना में भी, मरकुस में भी, लूका में भी, कि एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के साथ होली। और वो भीड़, जिस भीड़ के अंदर यीशु मसीह चिन्ह चमत्कार कर रहा था, लोगों को चंगाई दे रहा था, एक समय ऐसा आया कि पूरा अंधकार हो गया, शाम हो गई और भीड़ के पास कुछ भी खाने के लिए नहीं था। यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से कि इस भीड़ को तुम ही कुछ खाने को दो। तभी एक बच्चा जिसके पास में दो रोटी और पांच मछली, दो रोटी और पांच मछली थी, उस बच्चे ने अपनी इस रोटी को, अपने टिफिन बॉक्स को चेलों के हाथ में रखा और चेलों ने यीशु मसीह के हाथ में रखा। और इस तरीके से एक बड़ी भीड़ ने प्रचुरता के साथ में खाना खाया। इस द मोरल ऑफ द स्टोरी हमें ये बताती है कि जो वो बच्चा था, उसकी माँ ने उसको एक टिफिन बॉक्स बना के दिया होगा, क्योंकि वो यात्रा पे था, वो जा रहा था, वो यीशु मसीह के वचनों को सुन रहा था, वो शायद एक कन्वेंशन में था जिसमें उसकी माँ ने उससे कहा होगा कि तू अपना खाना, अपनी रोटी अपने साथ रख, पता नहीं कब तुझे इस खाने की जरूरत पड़ जाए। और एक टाइम ऐसा आया कि उस खाने की जरूरत यीशु मसीह को पड़ी, उस खाने की जरूरत उस भीड़ को पड़ी। और एक बच्चा उस पूरी भीड़ में से निकल कर आया जिसने अपने टिफिन बॉक्स को प्रभु के हाथ में दे दिया। और उस टिफिन बॉक्स के द्वारा, एक बच्चे के टिफिन बॉक्स के द्वारा, उसकी उस रोटी और मछली के द्वारा हजारों की भीड़ ने खाना खा लिया और लोग आशीषित हो गए। मेरे प्रियो, ये कहानी मुझे और आपको एक बहुत अच्छा लेसन देती है। वो क्या? वो हमें ये बताती है कि जो कुछ भी आपके पास है, नो मैटर कि वो छोटा है या बड़ा है, वो ज्यादा है या कम है, जो कुछ आपके पास में है, अपनी हर चीज को अपने परमेश्वर, अपने यीशु मसीह के हाथ में विश्वास योग्यता के साथ सौंप दीजिए। हो सकता है आपके पास आपकी थोड़ी सी एजुकेशन है जिसे लेने के बाद आपको लगता है, प्रभु मैं इस काबिल नहीं कि मैं किसी के लिए दुआ करूं, प्रभु मैं तो बोलना भी नहीं जानता, प्रभु मैं तो गाना भी नहीं जानता, प्रभु मैं तो दुआ करना भी नहीं जानता। लेकिन प्रभु कहता है, जो तेरे पास है, जो थोड़े से थोड़े में वफादार है, जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य है, परमेश्वर उसे बहुत बड़ी आशीषों में लेके चलता है। जो थोड़ा है, जो कुछ आज आपके पास है, हो सकता है आज आप इस बात को लेकर कभी कभी शर्मिंदा होते हो कि प्रभु मैं क्या करूं, मेरे पास इतना फाइनेंस नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं। लेकिन प्रभु कहता है, जो तेरे पास में है तू उसे मेरे हाथ में रख के तो देख। और सच में यकीन जानना, जब आप उस छोटी सी चीज को प्रभु के हाथों में रख देते हैं ना, तो देयर विल बी अ ह्यूज डिफरेंस इन योर लाइफ। आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस, एक बहुत बड़ा फर्क आने लग जाएगा। इस भीड़ ने, जो भूखी थी, जो कई दिन से प्रभु के साथ चल रही थी, भूखी थी, प्यासी थी, कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था चेलों के पास, लेकिन इस बच्चे के टिफिन बॉक्स के द्वारा, इसके खाने के डब्बे के द्वारा परमेश्वर ने पूरी भीड़ को आशीष दी और सब लोगों ने विश्वास योग्यता के साथ में खा लिया। आज प्रभु इस कहानी के द्वारा आपसे एक बात करना चाहता है। मेरे प्रियो, कोई भी काम परमेश्वर के लिए नामुमकिन नहीं है। प्रभु चाहता तो उस विदाउट टिफिन बॉक्स भी लोगों को खिला सकता था, लेकिन प्रभु विश्वास योग्यता देखता है। प्रभु ये देखना चाहता है कि लोग क्या, हम दूसरों को देख रहे हैं, ताक रहे हैं कि कोई पहले बढ़कर आएगा, कोई पहले बढ़कर मेरी जगह आएगा और कुछ करेगा। नहीं, प्रभु आपको देख रहा है, प्रभु मुझको देख रहा है कि मैं और आप पहले होकर परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं। अगर हम विश्वास योग्य हैं अपने समय में, अपने देनदारी में, अपने साथ, अपने परमेश्वर के साथ समय बिताने में, वचन पढ़ने में, उसके गीतों को गाने में, प्रार्थना करने में, थोड़ा
थोड़े थोड़े समय में भी अगर हम विश्वास योग्य हैं ना, यकीन करना परमेश्वर आपके द्वारा अद्भुत चेंज लेकर आएगा आपकी सोसाइटी में, आपके लोगों में, आपके परिवार में, और प्रभु आपको फीडर बनाएगा, खिलाने वाला बनाएगा। आप खाने वाले नहीं बनेंगे, आप लोगों को खिलाने वाले बनेंगे, और लोग आपके पास आकर पूछेंगे, कहेंगे कि क्या तुम्हारे पास कुछ है। सच में इस स्टोरी के द्वारा मुझे बहुत आशीष मिली, और ये स्टोरी आप सबके लिए एक लाइफ चेंजिंग स्टोरी है। जहाँ मैंने इस बात को सीखा वो एक ही बात है, वो ये बात सिखाती है कि आपका पिता, आपका परमेश्वर, जब आप उससे कुछ भी मांगते हैं, ये प्रभु ने बहुत अच्छी तस्वीर पिता की बताई। प्रभु ने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि क्या तुम्हारा पिता, जब तुम भूखे होते हो और अपने पिता से जब तुम रोटी मांगते हो, क्या वो तुम्हें पत्थर देता है? जब वो तुम्हें पत्थर नहीं देता तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें पत्थर क्यों देगा, या वो तुम्हारी प्रार्थनाओं का जवाब क्यों नहीं देगा? हमें सिखाया यीशु मसीह ने, हमारी आंखों को खोला यीशु मसीह ने कि हम अपने पिता को जाने। हु इज आवर फादर? आवर फादर इज नॉट ए ऑर्डिनरी मैन, वो ऐसा साधारण आदमी नहीं है, ही इज अ फादर, वो हमारा बाप है। और जब कब हम भूखे और प्यासे होकर, अपनी निर्बलताओं से घिरकर, अपनी व्याकुलताओं में घिरकर जब हम पिता के पास में आते हैं, वो थोड़ी थोड़ी चीजों के द्वारा आपको ब्लेस करता है। आज ये स्टोरी एक ही लेसन देके जा रही है मुझको और आपको, कोई भी चीज परमेश्वर से रख ना छोड़ें, जो भी है, चाहे वो आपका समय है, वो आपका धन है, वो आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, आपका पति है या पत्नी है, कुछ भी है, जो चीज है, पुट इट अनटू द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड, उसे पिता के हाथ में, यीशु मसीह के हाथ में रखें। और जब आप उसे यीशु मसीह के हाथ में रखेंगे, आपकी लाइफ बदल जाएगी, और उस थोड़ी सी चीज के द्वारा हजारों लोग आशीष पाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु, इस छोटी सी स्टोरी के द्वारा आज आपने मुझसे बात करी और इन तमाम लोगों से बात करी। आज हमारे पास जो भी है वो तेरा दिया है, और हम उसे तेरे हाथों में रखते हैं प्रभु, चाहे वो हमारा समय है, चाहे वो हमारा धन है, जो कुछ है, वी गॉट फ्रॉम योर साइड एंड वी कीप इट अनटू योर फादर्स हैंड लॉर्ड, अनटू योर हैंड्स लॉर्ड, हम उसे आपके हाथों में रखते हैं। आप इसे इस्तेमाल करें और इससे आपको महिमा मिले और आपका राज्य हमारे बीच में आए। धन्यवाद प्रभु, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और आपके लिए लास्ट में एक क्वेश्चन मैं छोड़ के जा रही हूँ, जब मैं नेक्स्ट टाइम आपसे मिलूंगी तो मैं एक क्वेश्चन आपको दे के जा रही हूँ, हम प्रभु के हाथों में क्या रख सकते हैं? और जब मैं आऊंगी तो मैं आपसे जरूर पूछूंगी, आपके आंसर्स देखूंगी मैं, हम प्रभु के हाथों में क्या रख सकते हैं? क्या ऐसी चीज है जो हम अपने परमेश्वर के हाथ में रख सकते हैं, जिससे वो खुश हो, जिससे वो जलाल पाए, और जिससे पिता की राज्य इस संसार में बढ़ता चला जाए? इट्स अप टू यू, आपके आंसर्स का मुझे जवाब रहेगा, इंतजार रहेगा, और मैं आपका सबका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पास एक प्रेयर रिक्वेस्ट आ रही है, अंकिता दत्ता, मैं उनके लिए जरूर प्रार्थना करूंगी। आपके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सिस्टर अंकिता के लिए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। इससे पहले कि मैं इसको हम अब इस खत्म करें अपने इस सेशन को, सिस्टर अंकिता के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु, मैं सिस्टर अंकिता, उनके बच्चे और उनके फैमिली के लिए, हस्बैंड के लिए प्रार्थना करती हूँ, जो भी दुख है, तकलीफ है, बीमारी है, रुकावट है, यीशु के नाम से दूर हो। प्रभु, तू ऐसा पिता है जो आगे बढ़ के काम करता है, और जो तुझे पुकारते हैं तो उनको जवाब देता है। वी हैव अ फादर जिसका नाम यीशु है। मैं दुआ करती हूँ बहन के लिए, इनकी प्रार्थनाओं का जवाब आज ही इसी समय यीशु के नाम से इनको मिलने पाए, और प्रभु इनके बंधन यीशु के नाम से टूटे, और ये अगली बार आपकी गवाही देने के लिए खड़ी हो सके। थैंक यू लॉर्ड, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। बहन, प्रभु आपको बहुत आशीष दे और बरकत दे। इट डजंट मैटर कि आप किसी भी कम्युनिटी की हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, या आपके हस्बैंड किस कम्युनिटी के हैं, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। योर फादर, योर गॉड, जिसने आपको बनाया है, वो आपसे बहुत प्यार करता है। बस उसके प्यार पर विश्वास करें, क्योंकि उसने संसार से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। कोई और चीज नहीं थी उसके पास देने के लिए सिवाय उसका बेटा। सब कुछ तो वो ऑलरेडी दे चुका था, ये पृथ्वी दे दी, ये संसार दे दिया, ये सृष्टि दे दी, सब दे दिया, लेकिन अब उसके पास उसका एक बेटा बचा था, जो हमें पाप से निकालने के लिए काफी था।
और उसने अपना बेटा भी दे दिया। इसलिए यू आर सो बिलवड, आप परमेश्वर की बहुत प्यारी बेटी हैं। प्रभु आपको बहुत बरकत दे, आशीष दे। इट डजेंट मैटर, प्रभु आपके परिवार के द्वारा आपको बहुत आशीष देगा, बरकत देगा, और आप एक बहुत बड़ी टेस्टिमनी अपने जीवन में प्रभु की देखने जा रही हैं। रिसीव करें प्रभु के नाम से इस प्रोफेसी को अपनी लाइफ के अंदर। सो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे फिर नई कहानी के साथ मिलेंगे, और अच्छा लगेगा कि मैं बोलूं और आप सुने और बीच में कमेंट्स भी करें, पूछें भी, अच्छा लगेगा, क्योंकि ये इंटरेक्शन है। सिर्फ सुनाना ही सब कुछ नहीं है, आप उसे क्वेश्चन करें, आप उससे पूछें। हम छोटे से टाइम में इसको अच्छे से आगे लेके जाएंगे, ताकि किसी भी बहाने से प्रभु का राज्य आए, हम सब घटें और परमेश्वर महिमा पाए। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और बरकत दे, और आप सबको अपने लिए इस्तेमाल करें। याद रखिए, आप जहां भी हैं वहीं पर इस्तेमाल होना सीखिए। आप कहीं पर भी हैं, डजेंट मैटर, पेड़ किसी भी जमीन पे लगाया जाए, पेड़ जरूर फलता है। चाहे देर लगे, चाहे वो 5 साल में फल दे, चाहे 15 साल में फल दे, लेकिन अगर एक बार पेड़ लग गया तो वो फल जरूर देगा। हालेलुया, अगर वो फल वाला पेड़ है तो प्रभु आपको चाहता है कि आप जहां भी हैं, जिस जगह भी इम्प्लांट प्रभु ने किया है, फल दें परमेश्वर को, और प्रभु को महिमा मिले सब बातों से। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। आपसे जल्दी मिलते हैं। प्रेज द लॉर्ड।